हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवीआर हिस्ट्री। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आइए आप पढ़ते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, भविष्य अपूर्ण काल। फ्रेंड्स, इसकी पहचान क्या होती है? इसमें वाक्य अंत में रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द लगे होते हैं, अर्थात कल्पना के आधार पर यह प्रकट किया जाता है कार्य, कोई भी कार्य भविष्य में क्या हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं पहचान क्या होती है। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक। तो इसका नियम सबसे पहले देख लेते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे इसमें? शैल, बी और विल डी। फिर क्या है मेन वर्ब? मेन वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे? आईएनजी, है ना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में शैल बी विल बी, आई और वी सब्जेक्ट के साथ, शैल बी से सभी कर्ताओं के साथ क्या प्रयोग करना हमें? विल बी। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो एग्जांपल देखते हैं, वह रसोई में भोजन पका रही होगी, पका रही होगी, वह रसोई में भोजन पका रही होगी। सी, है ना, सी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ शैल भी, से सभी कर्ताओं के साथ विल भी। तो यहाँ पे न तो आई है न तो वी का प्रयोग हुआ है, सी का प्रयोग हुआ है। सी विल कुक में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, में आईएनजी का प्रयोग करेंगे कुकिंग, है ना। यहां पे विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर कुकिंग, कुकिंग क्या पकाना है? भोजन, कुकिंग फूड। फिर रसोई में, इन द किचन, she will be cooking the food in the kitchen. Rahul और उसके मित्र नदी में नहा रहे होंगे। राहुल, सब्जेक्ट क्या है? एंड से दो सिंगुलर नाउन है, राहुल एंड उसके मित्र, हिज फ्रेंड्स, विल बी बात, बात में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वॉथिंग, इन द रिवर, इन द रिवर। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स विल बी वॉथिंग इन द रिवर।
हम वी शैल बी रिटेन आ लेटर इन दी क्लास. कह रहा है वी शैल बी रिटेन आ लेटर इन दी क्लास. यहां पे देख रहे हैं क्या मिल रहा है वाक्य में, शैल बी का प्रयोग हुआ है. नो इरर. चार पार्ट में डिवाइड है वाक्य, तो किस वाक्य किस पार्ट में इरर है? वी शैल बी रिटेन अ लेटर इन द क्लास, है ना. सिंपल वाक्य है शैल बी. यहाँ पे क्या है? शैल बी. और शैल बी के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म. तो यहाँ बी पार्ट में गलती है, क्या हो जाएगा? राइटिंग. राइटिंग हो जाएगा तब वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. वी शैल बी राइटिंग अ लेटर इन द क्लास. नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में आप लोग को बताया गया है पहले भी, यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों की होती है तो जस्ट पहले शब्द के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का. यदि सब्जेक्ट का यूज हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, शैल नॉट बी. इसी प्रकार विल नॉट बी. फिर क्या प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब. मेन वर्ब में वही आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट एग्जांपल देखते हैं. वे घर पर इन पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे होंगे. निगेटिव सेंटेंस है, नहीं पढ़ रहे होंगे. दे विल नॉट. फिर बी का प्रयोग करेंगे, रीडिंग पढ़ना. क्या पढ़ रहे होंगे? इन पुस्तकों को. दीज बुक्स. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दीज दोज के बाद प्लूरल नाउन आता है जो कि लिखा गया है दीज बुक्स. घर पर तो एट होम. एट होम. एट होम क्या है? फ्रेज भी है. एट दी होम नहीं कर सकते आप. एट दी होम ये त्रुटि मानी जाती है वाक्य में, जो कि हमेशा क्या होता है? एट होम लिखा जाता है, है ना. तो ऐसे ऐसे परिज्ञियों को आप ध्यान दीजिएगा. हम बाजार में सब्जियां नहीं खरीद रहे होंगे. खरीद रहे होंगे. हम बाजार में सब्जियां नहीं खरीद
रहे होंगे। वी शैल नॉट बी, खरीदना क्या है बाई में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, बाइंग द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कहां पर बाजार में, इन द मार्केट, इन द मार्केट। वी शैल नॉट बी बाइंग द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। राहुल शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द स्कूल। सेकेंड वाक्य है सोहन, सोहन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। सोहन डैश गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। फर्स्ट ऑप्शन है विल हैव बीन, सेकेंड ऑप्शन है हैड, थर्ड ऑप्शन है हैव बीन, चौथा और लास्ट ऑप्शन है शैल शैल बी। देखते हैं दो वाक्य हमारे सामने लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पर। कह रहा है राहुल शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। पहले वाक्य में क्या त्रुटि है, राहुल शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग किस वाक्य में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जो कि यहाँ पे शैल हैव बीन का प्रयोग किया गया है। तो त्रुटि क्या है यहाँ पे राहुल के साथ विल बी, विल बी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग हुआ है। आईएनजी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में केवल दो जगह होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस, जो कि यहाँ पे टाइम नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे विल बी या शैल बी। राहुल है तो यहाँ विल बी का प्रयोग उत्तम रहेगा, विल बी राइटिंग अ लेटर, राहुल एक पत्र लिख रहा होगा। सेकेंड वाक्य क्या कर रहा है, सोहन डैश गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, सोहन सोमवार से बाजार जा रहा होगा। चार ऑप्शन दिया गया है विल हैव बीन, विल हैव बीन है ना किस पार्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। विल हैव बीन यहाँ पे क्या होगा, विल हैव बीन क्योंकि आगे क्या है सिंस दिया हुआ है ना, समय दिया हुआ है तो विल हैव बीन होगा यहाँ पे, विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। और हैड किस टेंस की है, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। और हैव बीन क्या है, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है और टाइम भी दिया होता है, परंतु किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो ये भी गलत है। शैल बी,
शैल बी के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, परंतु टाइम नहीं दिया होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, सोहन विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। इसी प्रकार एक वाक्य और देख लेते हैं, मोहन विल बी नॉट बाइंग अ बुक एट द शॉप। क्या कह रहा वाक्य, मोहन विल बी नॉट बाइंग अ बुक एट दी शॉप, मोहन दुकान पर पुस्तक नहीं खरीद रहा होगा। तो गलती क्या है, विल बी नॉट, नॉट का प्रयोग बताया गया है जब भी हमारे हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्द की होती है, तो जस्ट पहले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे गलती यही है, विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, विल नॉट बी बाइंग अ बुक एट दी शॉप। अगला वाक्य देखते हैं, आई शैल बी रीड अ बुक इन दी क्लास। कह रहा आई शैल बी रीड अ बुक इन दी क्लास, यहाँ पे शैल बी, शैल बी के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, रीड, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, रीडिंग, तब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आई शैल बी रीडिंग अ बुक इन दी क्लास, मैं कक्षा में पुस्तक पढ़ूंगा, पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाक्य सही हो गया। तो फ्रेंड्स यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इसी टेंस में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।